हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों? फिर से एक बार आपका अपने चैनल टोटल नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मैं तीन अलग अलग न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा, और इस न्यूज़ से हम ये जानेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है वो कब आएगा, क्या जूनियर और प्राइमरी के रिजल्ट एक ही दिन आएंगे या अलग अलग आएंगे। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, जानेंगे, और तीनों न्यूज़ में आपको दिखाऊंगा। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे हम प्रोपोगेंड कर रहे हैं, हमको गलत न्यूज़ दे रहे हैं, कहाँ से जानकारी मिल रही है, और उनके पास तो कॉमन सेंस नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं कमेंट करते हैं जिनके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है कि अखबार को कैसे पढ़ा जाता है, न्यूज़ को कैसे जाना जाता है। तो वैसे लोग दूर रहे, जिनको अकल नहीं है, भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, उन्हें भाषा की मर्यादा है, तो उनके लिए मेरा वीडियो नहीं हो, कृपया न देखें, ज़्यादा अच्छा है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ वो मित्र जो मेरे बहुत प्यार करते हैं। चलिए देखते हैं और समझते हैं कि कब आएगा। तो तीन अलग अलग न्यूज़ आई हैं, तीन अलग अलग न्यूज़ छपी हैं खबरों, अलग अलग पेपरों में, जिनमें कहा गया रिजल्ट तो हमारा आएगा 30 तारीख को। ये आप देखें, भास्कर की न्यूज़ है, ठीक है, यहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ, ये देखें आप, इसमें दिया है 8 दिसंबर को जारी होना है रिजल्ट, ठीक है। और जो हमारी संशोधित आंसर की आएगी, तो हम आंसर की बात करेंगे कि हमारी आंसर की आएगी वो 30 तारीख को आएगी, ठीक है। आप देख रहे हैं, डार्क कर रहा हूँ मैं, यूपी टीटी की फाइनल आंसर की 30 नवंबर को जारी होने वाली है। संभावना जताई जा रही है कुछ सवालों के उत्तर में संशोधन के साथ ही आंसर की जारी की जाएगी, ठीक है, संशोधन किया जाएगा। आपको पता है लगातार संशोधन चल रहा है, हमने भी बात की है। तो ये चीज़ें एक तो आपने देख लिया, ये भास्कर की न्यूज़ है। मैं और आपको न्यूज़ दिखाता हूँ दूसरी, ये देखें आप, ये न्यूज़ 18 न्यूज़ है, यूपीटेट 2018 30 नवंबर को आएगा फाइनल आंसर की, और 8 को आ सकता है रिजल्ट, ठीक है। ये कह रहा है आ सकता है रिजल्ट, यानी संभावना, क्योंकि आपको पता है लगभग 18 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, तो इतना बड़ा रिजल्ट भी देना बहुत चैलेंजिंग होगा, तो इसलिए इन्होंने प्रयोग किया है कि आ सकता है, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं दिखाता हूँ आपको, संशोधित आंसर की 30 नवंबर को आ सकती है, दरअसल 18, ये सारी चीज़ें पता है आपको। और ये कह रहे हैं कि बताया जा रहा है कि समिति की रिपोर्ट पर आंसर को अपडेट करते हुए 30 नवंबर को वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है, यानी कल जो है आपकी संशोधित आंसर की आ जाएगी, और माना जा रहा है कि दोपहर के बाद ये आ जाएगी। सचिन अनिल भूषण चतुर्वेदी कहना है कि संशोधित उत्तर माला पर किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। ये पहले भी न्यूज आ चुकी है, फिर से आई है कि जो संशोधित करके उत्तरमाला डाल दी जाएगी उसके ऊपर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई जाएगी, और उसी के आधार पर 8 दिसंबर को परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि आंसर की को फाइनल करने में कुछ और देरी हो सकती है, ठीक है। तो अभी तक जो है वो फाइनल नहीं हो पाई है, तो हो सकता है आज रात देर तक या कल, हो सकता है कि शाम हो जाए, कल लेट नाइट तक आए, लेकिन कल इनका मानना है आंसर की आ जाएगी। लेकिन थोड़ी देर पहले हिंदुस्तान, ये देख रहे हैं आप, ये लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, इसमें आया है कि प्राथमिक और जूनियर के दोनों के जो रिजल्ट हैं अलग अलग घोषित किए जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, जारी होंगे फाइनल उत्तरमाला, इन 2 तारीखों में जारी हो सकते हैं नतीजे, ठीक है। अब मैंने डार्क किया, देखें कब कब हो सकते हैं। तो उत्तरमाला जो आंसर की हो आपके 30 नवंबर को भी कह रहे आएंगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो आपके नतीजे हैं यानी प्राथमिक स्तर के टीटी परीक्षा के नतीजे आएंगे वो 5 दिसंबर को आएंगे, ठीक है। आप देखें मैंने डार्क किया हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान की खबर है कि फाइनल स्तर के टीईटी जो परीक्षा के नतीजे जो हैं वो 5 दिसंबर को आएंगे, वहीं उच्च प्राथमिक स्तर के टीईटी के परीक्षा के नतीजे 8 दिसंबर को जारी हो सकते हैं। यानी हिंदुस्तान की अगर खबर को हम सही माने तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि 5 और 8 को रिजल्ट आएगा, यानी एक भी रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन तीनों जो न्यूज़ हैं वो ये कह रही हैं कि जो आपका आंसर की हो कल यानी कि 30 तारीख को आ सकती है, भले लेट नाइट आए, क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं। अब इनका मानना है कि इसमें लगभग 22 लाख से ज़्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है, ठीक है, 22 लाख से ज़्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया हुआ है, तो इतने कम समय में सारा कुछ करना थोड़ी सी मुश्किल काम है। और यूपीडेट आंसर के जारी होने के साथ ही कई प्रश्नों के ऊपर आपत्तियां उठी, आपको पता है, और लगातार उस पर काम हो रहा है। तो अगर इस खबर को पक्का माने तो इससे ये निकल के आता है कि आंसर की आपको 30 को आएगी आपकी, और रिजल्ट हो सकता है 2 दिन में आए, यानी प्राइमरी का रिजल्ट जो है 5 तारीख को आ सकता है, और उच्च प्राथमिक यानी जूनियर का जो रिजल्ट है वो 8 दिसंबर को आने की संभावना है। तो हमारे साथ बने रहें, जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अंत तक देखने